आपको पुल के निशान के सामने वाले बटन को दबाना है और मोदी जी को बनाना है और एमपी साहब को बनाना है। एक मिनट में एक पानी की लिखाई थोड़ी देर बाद मिला हमारे बीच में अपनी आजाद सिंह नेहरा जी हैं जो पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, बीच बार बार आपके बीच में आते भी रहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कृपा करके सांसद भाई रमेश कौशिक जी और नाम भाई साहब लेंगे और निशांत ने भी ले दिए। मैं सम्मानित मंच और गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज मैं सिर्फ 12 मई को जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए वोटों की अपील करने आए हैं। आप सबसे प्रार्थना है, देश को जोड़ना चाहती है, फैसला आपने करना है क्योंकि समय का अभाव है, हम लेट बहुत हो चुके हैं। 12 मई को आप अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल का बटन दबा करके भाई रमेश कौशिक को कामयाब करना। अब मैं प्रार्थना करूंगा भाई रमेश कौशिक जी वो वोटों की अपील करें और आपसे आशीर्वाद। परम आदरणीय मेरे भाई आजाद सिंह नेहरा जी, हाँ ये रहा देवेंद्र भाई हमारा खाद्यान जी, राम कुमार धनखड़ जी, निशान छोकर जी, योगेश कौशिक जी, सुखबीर प्रजापति, नंद किशोर चौहान है हमारा जिला पार्षद है और बहुत मेहनत लगातार करता है, मेरा साथी है, मेरा भाई है तीरथ राणा, जो चाहे गुहाना हल्का हो चाहे गन्नौर हो, यहाँ तक कि मैं जब जुलाने का दौरा कर रहा था उसमें भी बराबर ये लगा रहता है सफेदों में भी। और कृष्णा भारद्वाज है, ये बेचारी हंड हंड का कमजोर बहुत हुई है, चलो कोई बात नहीं। मंजू कौशिक जी और हमारे जयदीप जिला पार्षद हैं, अशोक क्रेवड़ी जी हैं जो हमारे जिला युवा प्रधान हैं, जसवीर दोदुआ है जिला महामंत्री है और पुनीत राई भी बहुत मेहनत करता है। अब राई के सारे प्रोग्राम इन्होंने बड़े अच्छे किए हैं और योगेश का भी आ लिया, प्रताप छतेरा जी है और यहाँ का जो हमारा बहुत मेहनती और हर समय लगा रहता है परवीन सरपंच जी है जो हर समय बहुत मेहनत करता है। उसने जो आदमी गरीबी देख रहा है वही कर सकता है। उसने कहा मेरी माँ जब चूल्हे पर रोटी पोती थी उसकी आंखों से जो आंसू निकलती थी वो अब हमारी माता और बहनों के गरीब जो हमारे उनके मन निकलनी चाहिए। हर घर में गैस का सिलेंडर का इंतजाम किया पूरे देश में, भाई कोई भी हमारी माता बहन को चूल्हे पर रोटी ना पोनी पड़े। फिर इसके साथ साथ अगर हर घर में टॉयलेट बनवाने का काम, लैट्रिन बनवाने का काम, ये भी इसलिए कहा क्योंकि गरीब घरों में लैट्रिन भी नहीं बना सकते थे, हमारी बहन बेटियों जाना होता तो दिन में कहाँ जाएं, तो इस तरह के हालात थे। फिर उसने एक बात और की कि 5 लाख तक का हर का इलाज फ्री है, जो आदमी बीमार हो जाए कर्जा लेने किसी के पास ना जाना पड़े, 5 लाख रुपये तक का उसका कार्ड बन जाएगा, सरकार पेमेंट करेगी। इसके साथ जो लोग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, अपना घर भी नहीं है, उन लोगों को हर आदमी को हर गरीब आदमी 2022 तक घर बना के देने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी ने रखा है कि ताकि हम उनका भला कर सकें। फिर जैसे हमने किसान के लिए 6,000 रुपये एक और 6,000 रुपये एक 12,000 रुपये साल के किए हैं, उनमें सारी कंडीशन अब ख़त्म हुई, चाहे 1 बीघा हो के चाहे 2 बीघे चाहे 10 बीघे। लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक स्कीम लाए हैं कि उनको 3,000 रुपये महीने के हिसाब से 36,000 रुपये साल का हम उनको भी देंगे क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है। वो ये स्कीमें क्यों ला रहा है, उसने गरीबी देखी है, उसने वो ज़मीनों का मालिक नहीं है, उसने पता है ये गरीब आदमी कैसे हो रहा है और आज वो एक पिछड़े समाज से है इसलिए सारे ये इकट्ठे होकर लग रहे हैं और उसका परिवार भी आप ही हो, उसके कोई बाल बच्चे दामाद ये तो है नहीं। अब इनका तो आपने देखा भी होगा आज के दिन सोनिया गांधी भी बेल पे है, आज दे दे जेल में जा लिए, अरे बाकी जो बाहर बैठे ये जमानत पे हैं, ये भी किसी दिन भी जा सके, सोनिया भी, राहुल भी और राहुल का जीजा भी,
और उसके साथ साथ जो अभी यहाँ से सबसे भ्रष्ट आदमी हो यहाँ का मुख्यमंत्री रहा है और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है उसी ने ये सारे फंसाए हैं और ये खुद भी चार के समय जमानत पर है। अरे लोगन के कहे मैं अटके बनूंगा ऐसा इलाज करते हैं बेटे इंतजाम में ही जड़ से उखाड़ के फेंक दिए। उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, कहते हम 370 खत्म कर देंगे, कहते हम फौज की अपनी ताकत पावर जो दी है नरेंद्र मोदी ने उल्टी ले लेंगे, आतंकवादियों को खुला छोड़ देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो में रखा है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहता है जिसने इस देश की तरफ आंख उठा के देखा वो रह नहीं सकता। आतंकवादियों ने हमला किया था कायरनामा, 300 आतंकवादियों सर्जिकल स्ट्राइक हमारी फौज ने की और उनको ढेर कर दिया। जब हमारा एक पायलट पाकिस्तान में फंसा तो इमरान खान को एक ही बात कही थी, या तो 24 घंटे में अभिनंदन जो हमारा पायलट है वापिस भेज दे, वरना जो तेरे साथ होगा उसको भुगतने के लिए तैयार हो जा। ये है नरेंद्र मोदी। अरे राहुल गांधी इन्हें मिला हुआ है, अरे ये बाहर हैं, इन्हें भीतर जाने का नंबर भी आना रहे। अरे ऐसा आदमी है, एक दिन नुआ बोला पार्लियामेंट में बात कह दिया, बोला मैं ऐसा बोले आऊंगा जो 3-4 किलो के दालू पैदा होंगे, अरे मशीन ले दो नून तो डाले नून तो सोना लिख देगा, पता नहीं क्या कर लो, कुछ भी कह सकता है। अरे ना नुबरा आलू ऊपर इस पेड़ पर लागे धरती में लागे ना, अरे के हो है अनुदे पेड़ लुआ दू बताओ के करो इसे। अरे ये हालात है। अब जो हमने घर में काम किया है, गेहूँ काटे हो, सारा पानी का हल्का जुया सारा करा हो, कोल्लू चलाए, हमने जो बेरा है वो मारे बाल करना बेरा पर टाग गया, वो तो ऐसे ले रहे हैं यार तड़की उस पर रेट पर बैठा दिया अरे साहब बदलिया के जाओ स्कूल में जान दे पहले पहले बरसम काट लियाओ और फिर नहाने का भी नहर बना दे रहा नहर पटा दी मारा कुबड़ उधार दे पढ़ तो वो आदमी कर सकता है, वो सेल्फ मेड आदमी है, इन्होंने लूट के खाया है। और इस लुटेरे ने तो हरियाणा का 36 बरादरिया भाईचारा 20 आदमी ने बिगाड़ा है। इससे तो बहुत सावधान होना है और इसका पूरा इलाज ऐसा कर दो बाबू बेटा का कुछ उठेगा नहीं। ये दोनों